भारत में ऐप के जरिए कैब सर्विस प्रोवाइड कराने वाली प्राइवेट कंपनी ओला ने एक नया मुकाम हासिल किया है। दरअसल ओला ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अपनी कैब सर्विस शुरू की है। इसके तहत ओला ने कंफर्ट एक्सल और कंजुकेटिव राइड श्रेणियों में सेवाएं शुरू की हैं। वहीं कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 25,000 से ज्यादा चालक रजिस्टर है। कंपनी को उम्मीद है कि लंदन की शुरुआत से वैश्विक विस्तार होगा। ओला के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भविष्य अग्रवाल ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में बताया, लंदन वास्तव में कैब सर्विस इंडस्ट्री में वैश्विक ताकत और शीर्ष कंपनी बनने की हमारी यात्रा की शुरुआत है। बहुत कम भारतीय ब्रांड है जो इस पैमाने पर महत्वाकांक्षा के साथ वैश्विक बाजार में जाते हैं। हमारी यात्रा और सफलता एक कृतिमान स्थापित रहेगी, एक अच्छा उदाहरण पेश करेगी। भविष्य अग्रवाल ने कहा कि अगले 3 महीने परिचालन के लिहाज से काफी अहम है। अग्रवाल ने कहा कि कंपनी 3 चीजें चालक सुरक्षा स्थानीय अधिकारियों और नियामकों के साथ सहयोग का रुख रखने पर ध्यान देगी। ओला इंटरनेशनल के प्रमुख सिमोन स्मिथ ने कहा, हम लंदन में परिचालन चालू करने को लेकर रोमांचक हैं। ये हमारे व्यवसाय के लिहाजे से एक अहम उपलब्धि है। यह लोगों को जोड़ने की हमारी महत्वाकांक्षा की दिशा में अगले कदम को दर्शाता है। बता दें कि ओला ने पिछले साल अगस्त में कार्डिफ में परिचालन शुरू करके ब्रिटेन में कदम रखा था। इसके बाद बर्मिंघम, लिवरपूल, एक्सेटर, रिंडिंग, ब्रिस्टल, बाथ, कोवेंट्री और वार्विक में अपनी सेवाओं का विस्तार किया। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ओला की एंट्री ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुई थी। यहां ओला ने फरवरी 2018 में सर्विस शुरू की थी। नेक्स्ट 9 टैक्स अनाउंसमेंट की रिपोर्ट।